नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर संजय चुग। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं नई दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। एंड टुडे विद मी यू आर वाचिंग डॉक्टर केकेज मेड टॉक्स ट्यूसडेज विद डॉक्टर संजय चुग। इट इज अ नॉन स्टॉप शो नंबर 723, अ फिनोमिनल नंबर। एंड नाउ लेट अस हैव द हेडलाइंस ऑफ द डे। The FDA in USA approves the first fast-acting oral drug for major depressive disorder. It is an extended-release combination of two medicines, dextromethorphan and bupropion. Number two, the National Medical Commission has recently directed all medical colleges to give weekly off stress counseling and yoga sessions to resident doctors to manage their mental health. Headline number three. Health officials in the Democratic Republic of Congo are investigating a suspected Ebola case. And number four, COVID update for today, 8,586 new cases and 48 new deaths have been reported in India in the last 24 hours. And now, before we proceed, let me introduce a very special guest for today, Dr. Satyan Sharma. Thank you, sir. Glad to be on this show. Hi, Satyan. Satyan is one of the top psychiatrists in India. He is one of the leading psychiatrists in Punjab. He is practicing in Patiala, but inka footprint pure desh par hai. Aur jahan tak meri knowledge hai, ab ye sari duniya ke upar bhi apna footprint डाले जा रहे हैं। वेलकम टू द शो सत्यन, एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टॉपिक दैट यू सजेस्टेड फॉर टुडे। एक्चुअली जब आपने सजेस्ट किया था, मेरे को भी लगा कि ये जो हर बार ना एक बीमारी को पकड़ना, उसको डिस्कस करना, हो सकता है काफी घिसा पिटा सा एक मुद्दा हो चुका था। सो दिस टॉपिक, द टॉप फाइव क्वेश्चंस व्हिच एवरी साइकियाट्रिस्ट इज आस्क्ड, इज टोटली सत्यन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. चलो शुरू करेंगे। Let us have a look at these five questions one by one. Right, sir. Question number one. ये जो हर बार हमने जब ये session किया, why should I see a psychiatrist? I am not crazy. मैं psychiatrist के पास क्यों जाऊं? मैं तो पागल थोड़ी हूं। या साइकाइट्रिस्ट खुद ही पागल होता है, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है उसके पास जाने की। सत्यन, व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस विद दिस क्वेश्चन? कितनी बार घर वालों ने आपको ये बोला, कितनी बार पेशेंट्स ने आपको ये आके बोला, आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन किए गए, ये हमारे साथ शेयर करिए आज। जी सर, और आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया कि साइकेट्रिस्ट और उसके मरीज के अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझा जाता। ये इल्जाम हम पे बार बार लगता है कि यार आप तो सारा दिन पागलों के बीच में रहते हैं, आप अब तक कुछ ना कुछ नट तो ढीला होके गिर गया होगा इधर उधर। वेल, व्हाट आई वुड लाइक टू काउंटर दैट विद इज दैट, नंबर वन, अभी तक जहां भी हमने इतने साइकेट्री के मरीज देखे हैं, अभी तक संक्रमण हमने कभी नहीं देखा। इट्स सो फार थैंकफुली नॉट अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय पीपल बीइंग इन इट्स विसिनिटी। इट्स मोस्टली अ जेनेटिक डिसऑर्डर द वे वी हैव डिस्कवर्ड इट। एंड आई थिंक अगर आप मुझसे बहुत ईमानदारी से पूछेंगे ना सर, मैंने अपनी जिंदगी में एक भी पागल आदमी नहीं देखा। थ्रू आउट माई प्रैक्टिस आई हैव नेवर सीन इवन वन मैड पर्सन। आई हैव ओनली सीन पीपल विद anxiety disorders. I have seen people who are in a depressive state. I have probably seen people who hear voices, but my books are telling me that there is a very strong biological reason for that. I have seen people जिनके घर वाले पकड़ के लाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब ये सब पे शक करते हैं, ये सबको मारने को दौड़ते हैं, बिल्कुल पागलों जैसे हो गए हैं। हाँ, जिन्होंने कभी उस बीमारी के बारे में नहीं पढ़ा उन्हें शायद उनका बिहेवियर
पागलों जैसा लगता होगा. इट्स वेरी नेचुरल. बट आई हार्क बैक टू दोज वेरी अर्ली डेज ऑफ साइकियाट्री, जब सिगमंड फ्रॉयड ने पहली बार शायद इसको डिफाइन करने की कोशिश की थी, और उन्होंने एक ही सेंटेंस में साइकियाट्रिस्ट की या मनोचिकित्सक की या साइकोलॉजिस्ट की कब जरूरत पड़ेगी एक ही लाइन में डिफाइन कर दिया था, इट्स ऑल वर्क और लव. तो मैं वही कहता हूं कि अगर आपके इन दो मेजर एरियाज में आप फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आइदर इन योर सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल और इन योर फंक्शनिंग एज अ स्टूडेंट इफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी, एज अ वर्कमैन इफ यू आर नॉट एबल टू वर्क, इफ योर परफॉर्मेंस इन सफरिंग इन आइदर ऑफ दीज टू एरियाज एंड यू आर फिजिकली ऑल राइट, देन प्रोबेबली यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट. आजकल के टाइम में मुझे लगता है कि ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है पागलपन वाला, उसको अब पीछे छोड़ देना चाहिए. मगर अगर कबीर आज के टाइम में जिंदा होते तो वो क्या बोलते, पागल जो देखा ना पागल ना मिलिया कोई, जो मन झांका अपना मुझसे पागल ना कोई. क्या बात है. अगर मैं खुद पागल नहीं हूं तो ये जो पागल शब्द है, मेरा मानना ये है एज संजय चुग एज अ साइकियाट्रिस्ट कि इस शब्द को हिंदी के डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए. ये बहुत पुराने जमाने की बातें, उस जमाने की बातें जब आप कहते थे जी मलेरिया इसलिए होता है क्यों, मैल एरिया, गंदी हवा में आप रहते हो तो मलेरिया हो जाता है, या मिर्गी का दौरा पड़ा उसको चप्पल सुंघा दो वो ठीक हो जाएगा. हाँ. आज जो हमारी समझ है साइकियाट्रिक बीमारियों के बारे में वो क्या है, वो है कि बॉडी के अंदर अलग अलग हिस्से हैं, ब्रेन के अंदर अलग हिस्से हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर है, उनका इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर है, उनका मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है, उसमें कहीं ना कोई कोई फॉल्ट होती है जिससे बीमारी सामने आती है. जी. जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, जो रोगी है, उसमें कोई दोष ही नहीं है उसका, उसने कुछ चीजें इनहेरिट करी अपने माँ बाप से, दादा दादी नाना नानी से, हो सकता है पड़दादा पड़दादी पड़नाना पड़नानी से, जो इस जनरेशन में सामने आ रही है. बिल्कुल. अगर उसी को, उसी व्यक्ति को आज एक कैंसर हो जाता, मुंह का हो जाता, लंग्स का हो जाता, पेट का हो जाता, क्या आप उसको पागल बोलते? क्योंकि एक्चुअली स्पीकिंग तो उसके अंदर भी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस उत्पन्न हुए हैं जिसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है. जब ये शब्द बोला गया कि ये पागलपन है, ये उस समय की जनरेशन का, उस समाज की इग्नोरेंस का प्रतीक है. इसमें ना तब कुछ सच्चाई थी, ना आज कुछ सच्चाई है, ना भविष्य में कुछ सच्चाई होगी. जैसे सत्यन आपने बोला कि हम सबसे कॉमनली क्या देखते हैं, डिप्रेशन देखते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स देखते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के कई प्रकार होते हैं वो हम देखते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, फोबियाज हो, पैनिक डिसऑर्डर हो, आप एडिक्शंस देखते हो, ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाइल्डहुड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मोटे मोटे पोथे लिखे गए हैं साइकियाट्री की बीमारियों के ऊपर. जी. और वो क्यों लिखे गए, इसलिए नहीं लिखे गए कि उसमें ये लिखा है कि भाई ये टोटका कर दो तो बीमार हो, जो रोगी है ठीक हो जाएगा, उसके ऊपर झाड़ू फेर दो या झाड़ू झाड़ फूक कर दो ठीक हो जाएगा. दीज आर मेडिकल इलनेसेस विद मेडिकल ट्रीटमेंट्स, एज मच अ मेडिकल इलनेस एज हाई ब्लड प्रेशर, एज डायबिटीज, एज कैंसर, एज इन्फेक्शंस, एनीथिंग, दे आर ऑल मेडिकल इलनेसेस, दिस इज ऑल्सो मेडिकल इलनेस. अगर आपको कोई ऐसी समस्या है, जितनी जल्दी आप एक सही जगह जाएंगे, एक स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, उतनी जल्दी आपको उसका इलाज मिलेगा, उतनी जल्दी आपकी जो जिंदगी है वापस, इट विल कम बैक ऑन ट्रैक. इस भावना में रहकर, इस धारणा में रहकर कि मैं तो पागल हूं या क्या मैं पागल हूं, मैं क्यों जाऊं, बतेरे लोगों का जीवन तबाह हुआ है. हम लोग नहीं चाहते, सत्य नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता कि आज के बाद किसी के भी जीवन में इस इग्नोरेंस से ये इम्पैक्ट पड़े. बिल्कुल. अगर अगर इस टॉक का सिर्फ इतना ही फायदा हो जाए कि लोग पागलपन का लेबल छोड़ के बीमारी का तरीके से उसको समझने लग जाएं और उसको ठीक डॉक्टर के पास ले जाएं, तो मेरे ख्याल अपनी कोशिश बहुत बहुत कामयाब होगी. आई एग्री. बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सत्यन. चलो लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन जो आपने, मैंने बहुत बार सुना. जी. रोगी कहता है, फैमिली बोलती है, डॉक्टर साहब दवाई मत दो, दवाई से ये हो जाता है, वो हो जाता है, आदत पड़ जाती है, हमने सुना है छूटती नहीं है, हम क्या कोई नेचुरल चीजें ट्राई कर सकते हैं? आप जो बोलोगे हम करेंगे, बट दवाई जो है अगर देनी भी है तो अभी नहीं देते, बाद में देंगे. ये भी आप बहुत बार सुना, और जब जब सुना दिया.
क्या जवाब शुरू में दिया? शुरू में सर, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है एज साइकियाट्रिस्ट, आपकी जो ट्रेनिंग हुई, मेरी जो ट्रेनिंग हुई, और मेरे पास एक थोड़ी सी लग्जरी है, आई एम अ सेकेंड जनरेशन साइकियाट्रिस्ट, तो मेरे पिताजी भी इसी फील्ड में रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो पेशेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को एक एग्जांपल देता हूं कि देखिए, जब मेरे पिताजी ने ये ब्रांच ज्वाइन की थी तब उनके पास 3 मॉलिक्यूल थे और चौथी चीज जो थी वो ईसीटी थी, 4 ही मोडेलिटीज थी। टुडे आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, आज मेरे पास 200 मॉलिक्यूल्स है, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन है, उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, मैं बहुत ही स्पेसिफिक रिसेप्टर टारगेट कर सकता हूं, मैं अपने इलाज को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकता हूं, और जो ये पुरानी कहानियां आपने सुनी थी कि साइकियाट्री की बीमारी से ये हो जाता है वो हो जाता है, वो आप बाहर छोड़कर आइए, आपका स्मार्टफोन इतना स्मार्ट नहीं हुआ जितना कि आज की तारीख में साइकियाट्री की मेडिसिन स्मार्ट हो गई है। और जहां तक रही नेचुरल की बात, तो साहब ये सवाल मुझे बहुत साल तंग किया, फिर मैंने एक एग्जाम्पल ढूंढी जो मुझे लगता था कि बिल्कुल अब उपयुक्त है इसके लिए। मैं उनसे पूछता हूं कि आप कहां से आए हैं, वो अपने शहर का नाम बताते हैं, मैं कहता हूं कि आप उस शहर से यहां तक कैसे आए, या तो अपनी कार में आए, या मोटरसाइकिल पर आए, या बस पकड़कर आए, जिनमें से कोई भी नेचुरल तरीका नहीं है, ये सब अननेचुरल है, तो आप नेचुरली पैदल क्यों नहीं आए मेरे पास? हम एक कमरे में बैठे हैं जो अननेचुरली एयर कंडीशनड है, हमारे यहाँ पे जो लाइट लगी है वो अननेचुरल है, एक पूरी तरह अननेचुरल माहौल में हम रह रहे हैं, हमारी सब्जियां तक जहां बन रही हैं शायद वो भी एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हो जो हम हर रोज खा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दवाई आपको नेचुरल चाहिए, तो ये कितना बड़ा ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि हमको जहां हमारा सबसे प्रेशियस ऑर्गन है उसके इलाज के लिए लेटेस्ट और साइंटिफिकली वेल डेवलप्ड स्टेट ऑफ द आर्ट चीज नहीं चाहिए, उसके लिए हमको 1000 साल पुरानी चाहिए, बाकी शरीर के लिए, नहाने के लिए, घूमने के लिए, वहां हम टेक्नोलॉजी का डेली यूज करेंगे लेटेस्ट का। मुझे लगता है ये सवाल अपने आप में ही गलत है, ये डिमांड के नेचुरल करेंगे। तो मेरे दिमाग में अभी जैसे आप बोल रहे हो तो मेरे दिमाग में सवाल आता है कि मैं हर प्रोग्राम में वो ये दो वर्ड जरूर बोलता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन और शुगर या डायबिटीज की बात करते हैं। एक पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या किसी को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वो स्पेशलिस्ट के पास जाता है, फिजिशियन के पास जाता है, उनको ये बोला जाता है भाई मैं आपकी दवाई शुरू कर रहा हूँ, आपको जिंदगी भर ये खानी है दवाई। बिल्कुल, ऐसा क्यों होता है कि वहां पे उनके दिमाग में ये सवाल आता ही नहीं कि मैं डॉक्टर से पूछ लूं कि जी हाय मैं कब छोड़ सकता हूँ, उधर मेरे को नेचुरल तरीके बता दो। Why is it that people who have these problems, these you know what we would call lifelong physical problems, why is it that people are very happy and even relieved कि शुक्र है भाई कि एक दवाई या दो दवाई खाने से मेरा बीपी कंट्रोल में रहेगा, साथ में एक गोली खा लूंगा तो मेरी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी, जिंदगी ठीक चलती रहेगी। तो इस साइकाइट्री के खिलाफ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन क्यों, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? मुझे लगता है सर कि जिस चीज को हम देख नहीं पाते, जिसको हम अच्छे से समझ नहीं पाते, उसके बारे में गलत धारणाएं बनाना बहुत आसान है। अपने बिहेवियर को समझना, अपने पैटर्न्स को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, और इतनी इतनी साइकोलॉजिकल माइंडेडनेस शायद सोसाइटी में भी नहीं है। दैट इज वन बिग रीजन कि हम बीमारी को, एंग्जाइटी को, डिप्रेशन को कैसे निकाल के दिखाएं, ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। जिस मरीज को हो रहा है वही जानता है, उसका खुदा जानता है कि जब एक पैनिक अटैक होता है तो दुनिया खत्म होने वाली होती है। उन 15 से 20 मिनट के अंदर आपके अंदर इतना खौफ भर जाता है कि आप बाकी का सारा टाइम यू आर जस्ट स्केयर्ड कि अगर वो पैनिक दोबारा हो गया तो मैं कहां जाऊंगा। आप उस मरीज से अगर हम बात करते हैं शायद वो मरीज दवाई खाने को भी तैयार हो जाता है, समझ भी जाता है बात, क्योंकि उसे वो एक्सपीरियंस दोबारा नहीं चाहिए। और जहां तक बात आई नेचुरल दवाई की, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ आर मॉलिक्यूल्स आर एनी वे प्लेइंग विद द नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑफ द ब्रेन। अगर आपका दिमाग कोई पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर की रेशो को अपने आप मेंटेन करने में असमर्थ है, तभी हम बाहर से कुछ दे रहे हैं, इससे ज्यादा नेचुरल क्या होगा।
है ना, जैसे पीछे हमने मेलाटोनिन यूज करना शुरू किया है स्लीप डिसऑर्डर्स के अंदर, इट इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल स्लीप एंड स्लीप साइकिल रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स। इनफैक्ट अमेरिका कनाडा के अंदर तो इसको ओवर द काउंटर देना शुरू कर दिया, प्रिस्क्रिप्शन तक की जरूरत नहीं है। एंड ऑल दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ एडवांसेस मेड अर्लियर इन साइकोफार्माकोलॉजी। तो मुझे तो यही लगता है कि साइकेट्री से ज्यादा नेचुरल दवाइयां कोई नहीं है। करेक्ट, आई एग्री। सो आई थिंक ये जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, अगर जैसे अब मेरे को साइकाइट्री करते हुए लगभग 40 साल हो गए, सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो मिसकंसेप्शन थी, स्टिग्मा था, इग्नोरेंस थी, डेफिनेटली आज अगर हम देखें उस जमाने के मुकाबले में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, दैट इज द गुड पार्ट। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि अभी भी इतनी इग्नोरेंस है, इतना स्टिग्मा है, इतने मिसकंसेप्शंस हैं, बट दैट इज व्हाई यू एंड आई आर टॉकिंग कि इसको और किस तरह से हटाया जा सके। जी जी एंड नाउ सत्यम एक ना हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं डॉक्टर एनएस शारदा, वो मेरे ख्याल से 733 प्रोग्राम अगर हुए हैं तो 730 में तो जरूर आए होंगे। मैं उनको नमस्कार बोलना चाहता हूँ बिकॉज ही ऑलवेज is with us. Hi, Dr. Sharda. I hope all is well with you. And now we move on to the third question. Can we have the third question, please? A very, very common question ki doctor sahab, chalo main dawai shuru to kar leta hu ya kar leti hu, but iske side effect bahut hote hain, suna hai. Wo aapko zombie bana dete hain. ये सवाल भी आपने बहुत बार सुना है, इस सवाल के पीछे कितनी सच्चाई है एंड व्हाट आर द यूजुअल रिस्पॉन्सेज दैट यू वुड गिव? आज से बिल्कुल ठीक, ये सवाल पूरी तरह से जायज है और मुझे लगता है कि एज अ डॉक्टर आई विल नॉट बी डूइंग फुल जस्टिस टू माय पेशेंट अगर मैं उनकी सारी एंग्जाइटीज को पूरे अपनी नॉलेज और तजुर्बे के हिसाब से अच्छी तरह से सेटिस्फाई ना करूं। कुछ हद तक ये जो जॉम्बीफिकेशन है, ये इनिशियल डेज ऑफ साइकेट्री एंड इट्स पुअर पोर्ट्रेयल इन पॉपुलर कल्चर, उसकी जो है ये रिजल्ट है। सर, आप जानते ही हैं कि पुरानी मूवीज के अंदर साइकेट्री हॉस्पिटल्स को, ईसीटी को कितनी नेगेटिव तरीके से और कितना डीमोनाइज करके दिखाया जाता था कि एज इफ आप किसी को ईसीटी के लिए ले जा रहे हैं तो उसको सजा दी जा रही है, जबकि ईसीटी वी हैव बोथ सीन इट, इट्स अ वेरी पीसफुल प्रोसीजर, एनेस्थीसिया इज यूज्ड एंड इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट, नेवर टू पनिश अ पेशेंट, ऐसा कभी भी नहीं होता। और आई थिंक उसकी कुछ छाप है लोगों के दिमाग में, वो अभी भी कहते हैं कि ये दवाइयां तो किसी को सजा देने के लिए दी जाती हैं, ये दवाइयां तो सिर्फ सुस्ती ही करती हैं, जबकि हमारे पास जो लेटेस्ट और नए मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर कितने कॉग्निशन एनहांसर्स हैं, कितने हैं जो वेकफुलनेस एजेंट्स हैं जो आपकी अलर्टनेस को बढ़ाते हैं, कितने ऐसी चीजें हैं जिनका पैरामिलिट्रीज एंड मिलिट्रीज ऑफ लेवल यूज करती हैं, हमें मालूम है, हम उनका नाम नहीं लेंगे, वी डोंट वांट एनी मिसयूज ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स शुड बी यूज्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर ओनली, बट आई थिंक दिस रेपुटेशन इज इल डिजर्व्ड। करंट मॉलिक्यूल, जैसे मैं कह रहा था 200 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, हमें हर 6 महीने में नए मॉलिक्यूल्स के ऊपर नई नई कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डॉक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए वी आर फोर्स टू डू दैट, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम अपने पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट्स दें, ताकि अब हुआ क्या डॉक्टर साहब के क्या दवाइयां साइड इफेक्ट करती हैं। इनिशियल डेज के अंदर ऐसा होता था कि दवाई से सुस्ती हो जाती थी, तो ये डेवलपमेंट और डिजाइनिंग ऑफ मेडिसिन किस तरफ चली? अब साइंस हमेशा नीड बेस्ड और एक रिजल्ट बेस्ड, एक गोल बेस्ड अप्रोच रखती है। जब उन 4 मॉलिक्यूल से 200 मॉलिक्यूल बने तो उनमें से ज्यादातर इफेक्ट में सिमिलर थे, साइड इफेक्ट में कम होते जाते थे, उनका जो एक्शन था उसके अंदर रिसेप्टर स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाती थी, उनका जो हाफ लाइफ होता था, उनका एक्शन करने का टाइम जो होता था वो इस हिसाब से डिजाइन था कि आपकी नॉर्मल दिनचर्या के हिसाब से वो अपने आप को ढाल सके। आप समझ लें कि जिस तरीके से एक कार डिजाइन होती है, एक मॉलिक्यूल या एक ड्रग भी उसी तरीके से डिजाइन होता है। आज से
1970 में जो कारें होती थी उनकी एवरेज क्या होती थी, वो कितना धुआं छोड़ती थी, उतने इंजन कितने जल्दी गर्म हो जाते थे, है ना? तो जितना उस कार ने डेवलप की है, अगर उसके अंदर बहुत अच्छे इंजीनियर और साइंटिस्ट लगे हैं, तो बिलीव मी, आज की तारीख में जो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ है, जो दुनिया के अंदर नंबर वन कॉज बन रहा है ऑफ लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, लॉस्ट मैन आवर्स, और जिसके लिए वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा बहुत सजग रही है, इसके ऊपर काम करने के लिए दे हैव पुट द बेस्ट ब्रेन्स. मोस्ट ऑफ द रिसर्च स्टिल हैपेंस मोस्टली इन द वेस्ट, बट वी आर लकी दैट दोज मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल टू अस, एंड ऑल दीज मॉलिक्यूल्स आर इन द एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेकिंग ह्यूमन लाइफ एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस मोर फुलफिलिंग, इंक्रीजिंग योर हैप्पीनेस इन लाइफ, इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी इन लाइफ, गिविंग यू बेटर क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, इन सब चीजों की तरफ ही काम कर रहे हैं. और मैं और डॉक्टर चुग जैसे लोग इतने एक्साइट ना होते हैं साइकेट्रिस्ट, अगर हम अपने मरीजों को अच्छे रिजल्ट ना दे रहे होते, है ना ट्रू सर? ट्रू बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक चीजें मैं भी बोलना चाहूंगा, जैसे सवाल हमेशा पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब इस दवाई के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। मेरा स्टैंडर्ड जवाब ये होता है कि आप जो हवा ब्रीथ करते हैं इंडिया में, उस हवा से वो अस्थमा भी तो होता है, कैंसर भी हो सकता है। कितने लोगों ने हवा अंदर लेनी बंद कर दी, कितने लोगों ने सांस लेना बंद कर दिया, बिल्कुल किसी ने नहीं किया। वहां पे आप कहते हो ना चलो भाई, हवा से हमारे को जिंदगी मिल रही है। आप किसी भी जी और के पास चले जाइए किसी भी बीमारी के लिए, मान लो किसी को कैंसर है, वो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाता है, कैंसर स्पेशलिस्ट बोलता है कि जी जो इलाज आपका होगा उससे फायदा तो होगा ही, बट उससे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। कितने पेशेंट राइट ने मैं जो बीमारी है उसको झेल लूंगा बट साइड इफेक्ट मैं नहीं झेलना चाहता, मैं दवाई नहीं लूंगा। तो अगेन मेरे एब्सोल्युटली बातें जो हैं सब इग्नोरेंस से स्टेम करती हैं, एंड जब तक ये इग्नोरेंस नहीं हटेगी, ये रेजिस्टेंस बनी रेजिस्टेंस बनी रहेगी, उतना बीमारी की ड्यूरेशन जो है बढ़ती जाएगी, उतनी वो ज्यादा क्रॉनिक होगी, उतना ही सक्सेस रेट ऑफ मेडिसिंस कम होता जाएगा। बिल्कुल सर दूसरी बात सत्यन आपने बोली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर 6 महीने में मान लो एक नया सॉल्ट या एक नया मॉलिक्यूल लॉन्च लॉन्च हो रहा है। जी दिस रेट ऑफ इनोवेशन इन साइकाइट्री इज प्रोबेबली एज हाई इफ नॉट हायर देन द इनोवेशन दैट यू आर सीइंग इन एनी अदर फील्ड ऑफ मेडिसिन। इतनी एब्सोल्युटली सारी दवाइयां जिनको मैं बोलूंगा इट्स ऑलमोस्ट एज इफ वी आर मेकिंग डिजाइनर ड्रग्स नाउ, कि आपको एक दवाई चाहिए जिससे आपको नींद ना आए, आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाए, आपके मूड के ऊपर असर पड़े, आपकी थिंकिंग के ऊपर असर पड़े, और साथ ही साथ आपकी जो है भूख ना बढ़े और आपका वजन ना बढ़े। इट इज बिल्कुल एक्चुअली टू अ डिजाइनर, लड़की बोलती है कि जी मेरी शादी हो रही है, मेरे को एक ना पीच कलर का लहंगा बनाना है जिसमें इस तरह की एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, ये सीक्वेंस होने चाहिए, क्रिस्टल्स होने चाहिए। उसको भी आप डिजाइनर डिजाइनर प्रोडक्ट बोलते हो। तो एब्सोल्युटली कहने का मतलब यह है कि दवाइयां जो आजकल की हैं ना कभी इंटेंशन थी, आज तो डेफिनेटली नहीं है। ये मैं पहले सुनता था कि इन दवाइयों से तो वो लाश बना रहता है, लाश बन के इतना नशा होता है। ठीक है, मानते हैं उस समय इतनी इनोवेशन नहीं थी, बट वो 40, 50, 60 साल पुरानी बातें थी। आज के बिल्कुल में वी एक्चुअली आर क्लोज टू क्रिएटिंग डिजाइनर ड्रग्स वेयर द एफिकेसी इज आइदर बीइंग रिटेन्ड और इंक्रीज्ड एंड द साइड इफेक्ट्स आर बीइंग मिनिमाइज्ड, कि दवाई से जो फायदा एब्सोल्युटली हो रहा है उसको बढ़ाते जाएं, साइड इफेक्ट को कम करते जाएं। जी. और जो जो आने वाला समय है, यू नो, व्हेन वी टॉक टू इनोवेटर्स एंड पायनियर्स लाइक डॉक्टर भास्कर, तो जो जेनेटिक ट्रीटमेंट्स आने वाले हैं अगले 5-7 साल में, दैट आई थिंक इज द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन इन बिहेवियरल साइंसेस, एंड वी आर एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. एब्सोल्युटली। अब आज ही की जो मैंने हेडलाइन पढ़ी कि एक एंटी डिप्रेसेंट दवाई लॉन्च अप्रूव हो गई यूएस में, विच इज अ रैपिड एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट, इट इज यस बिलीव नॉट विद इन अ फ्यू आवर्स, विद इन 2 to 3 days उसके जो इफेक्ट्स हैं सामने आ जाएंगे। आज की जो हमारी दवाइयां हैं उसमें हो सकता है 4 हफ्ते लग जाए, हो सकता है 6 हफ्ते लग जाए बिफोर द एफिकेसी स्टार्ट टू कम आउट। सो दिस राइट बाई आई थिंक एक वो रेवोल्यूशनरी एडवांस है इन द फील्ड ऑफ साइकोफार्माकोलॉजी, एंड दिस प्रोग्रेस एब्सोल्युटली गोइंग ऑन, विच अगेन इज अ रेकग्निशन ऑफ द फैक्ट कि हमारी दुनिया में, दुनिया भर में
सबसे कॉमन बड़ी बीमारियां और साइकाइट्रिक इलनेसेस, यस, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनकी जो प्रेवेलेंस है, उनकी जो इंसिडेंस है, उसके मुकाबले में किसी भी और फील्ड की बीमारियां कहीं पे नहीं आती। द एम लास्ट ईयर, यस बिल्कुल सर बिल्कुल, लास्ट ईयर ही बिहेवियरल डिसऑर्डर्स दे ओवरटूक कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स एज द नंबर वन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी ऑफ लॉस ऑफ यू नो प्रोडक्टिव मैनर्स। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर वेरी अवेयर ऑफ दैट। यस, डिप्रेशन जैसी तो कोई बीमारी नहीं है जो ये मॉर्बिडिटी पैदा करती है जी। And it is estimated that in the next 6 to 7 years, maybe 8 years, it might become the leading cause of death in the world also. Depression से जो आत्महत्या है वो एक चीज होगी, but depression से वैसे ही आपके जीवन में इतने नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं that it affects your lifespan, it affects your longevity. Right. So the point that Satyan and I are trying to make here is कि जहाँ पे दवाई की जरूरत है वहाँ पे दवाई लेनी ही लेनी है, नहीं लेने से आप कुछ भी पॉजिटिव नहीं हासिल कर रहे। बिल्कुल। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन फॉर टुडे सत्यन। डॉक्टर साहब, क्या ये मेरे को दवाइयां जिंदगी भर लेनी पड़ेंगी? डू आई हैव टू टेक दीज मेडिसिन फॉर एवर? क्या बोले सर? बीमारी की नेचर ऐसी है कि जब कोई मरीज पहली बार मेरे पास आएगा तो मुझे सिर्फ बीमारी की लॉन्गिट्यूडनल हिस्ट्री पता चलेगी, मुझे सिर्फ पता चलेगा कि इतने दिन से ये समस्या हो रही थी, उसके लिए दवा शुरू करनी है। जब भी पहली बार मैं बीमारी का या बीमारी का इलाज शुरू करते हैं, हमारे 3 फेजेस रहते हैं बीमारी के इलाज के, जो हमें सिखाया जाता है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो हम स्पेशलिस्ट साइकियाट्रिस्ट बन रहे होते हैं। आपका पहला फेज वो रहता है जिसके अंदर बीमारी के सारे लक्षण दवा के साथ खत्म हो जाने चाहिए, या ज्यादातर लक्षण इतने कम हो जाने चाहिए कि उनका कोई आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे असर नहीं पड़ रहा। अगर वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मूड डिसऑर्डर है, किसी तरह का कोई डिल्यूजनल बिलीफ है, कोई स्लीप डिस्टर्बेंस है, जिसके लिए भी आपने दवा शुरू करी, सबसे पहला पड़ाव ये होता है कि आपकी जिंदगी अब नॉर्मल चल रही है। अब दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हर बीमारी के लिए एक सर्टेन मेंटेनेंस पीरियड बहुत जरूरी होता है, जिसके अंदर के वो जो दवा है वो आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम कर रही होती है। नाउ विद बायोलॉजिकल साइकेट्री एंड एविडेंसेस वी नो दैट द ब्रेन इज फिजिकली बीइंग चेंज्ड बोथ बाय साइकोथेरेपी लाइक सीबीटी एज वेल एज द मेडिसिन। नाउ दोज चेंजेस अकर एट अ वेरी माइक्रो लेवल। अब वो केमिकल के लेवल का फर्क है, वो आपके ब्रेन के कनेक्शंस का डिफरेंस है, लेकिन उस मेंटेनेंस पीरियड के अंदर आपको दवा रेगुलर डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लेनी जरूरी है। और उसके बाद एक तीसरा फेज आता है जहां पे आप उसको टेपर डाउन करना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि दवा को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। ये नॉर्मली फर्स्ट एपिसोड के अंदर हर साइकेट्रिस्ट की एक अप्रोच रहती है। अब आगे नेचर ऑफ द बीस्ट, इसको मैं आपके ही एग्जाम्पल लेते हुए डॉक्टर साहब, कि जैसे हाइपरटेंशन हो गई, जैसे कि शुगर हो गई, उसके अंदर तो हम पहले से ही मानकर चलते हैं कि एक बार शुगर डिटेक्ट हो गई सारी उम्र लेनी ही पड़ेगी, एक बार ब्लड प्रेशर की दवा शुरू हो गई सारी उम्र लेनी ही पड़ेगी। साइकेट्री में ऐसा डे वन पे कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर एक जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है कि वो बीमारी दोबारा उठ जाती है दवा बंद करने के बाद, तो उसको फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट लेबल ना करें। वो हमने पहले एपिसोड को कंट्रोल किया और उसको मेंटेन किया, उसको टेपर डाउन किया। ये बीमारी किसी भी खून के टेस्ट में नहीं आएगी, ये बीमारी किसी इमेजिंग में नहीं आएगी। दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस्ड आप इमेजिंग टेक्नोलॉजी ले आइए, डिप्रेशन अभी भी इमेजिंग के अंदर 100% डिटेक्टेबल नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है। हमको सिर्फ आपके बिहेवियर और आपके इनर फीलिंग के हिसाब से दवाई जो है घटानी, बढ़ानी, बंद करनी, शुरू रखनी, ये सब डिसीजंस लेने होते हैं। पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का एक वल्नरेबिलिटी रहता है,
अगर आपको डिप्रेशन हुआ है आज, हो सकता है कुछ कारणों से हुआ हो, छोटा सा कोर्स किया, आप ठीक हो गए, दवा बंद हो गई, आप कई साल तक ठीक रहे, दोबारा कहीं से स्ट्रेस आ गया, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, कहीं से भी हो सकता है, जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा हो सकता है दोबारा डिप्रेसिव एपिसोड हो जाए, दोबारा जाइए डॉक्टर के पास। क्या करते हैं अगर आपको दोबारा बुखार हो जाता है, तो क्या हम जाके डॉक्टर को पूछते हैं कि भाई पिछले साल ही तो तुमसे इलाज कराया था बुखार का, इस बार फिर हो गया? बिल्कुल, या तो पिछले ये पिछले हाँ, साल जी सर मेरा बताइए। एक्सीडेंट हुआ था तो इस साल कैसे हो गया दोबारा, या पिछले साल जी कोविड हो गया था या 1 महीना पहले कोविड हो गया था, अब कैसे हो गया, वो सवाल कभी नहीं पूछे जाते। तो जी इस सवाल का कि मेरे को क्या अब दवाई शुरू होगी तो क्या लाइफ लॉन्ग लेनी है, इसका एक कोई बहुत सरल आंसर नहीं है। नहीं यही है। यही सत्यन ने समझाया कि इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलनेस, कि पहली बार आपको बीमारी हुई है, पहला एपिसोड है, उसकी मैनेजमेंट काफी कंजर्वेटिव होती है। बट वही चीज आपको फिर मान लो 2 साल बाद हो गई तो साइकाइट्रिस्ट ये सोचने लगता है कि चलो अभी का तो जो दूसरा एपिसोड है उसको तो ट्रीट कर लेंगे, दिक्कत नहीं है, बट अब हम क्या कर सकते हैं पेशेंट की मदद करने के लिए कि उसको तीसरा एपिसोड ना हो। और अगर मान लो तीसरा एपिसोड हो जाता है, फिर जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट है, वो और ज्यादा बदलने लगता है। बट वो बहुत ही स्पेशलाइज सी बातें हैं जो मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम के दायरे के बाहर हैं। सत्यम मेरे क्या लॉग आउट हो गए थे, वापस आ गए, वेलकम टू द जी जी शो थैंक सत्यम। बताओ आप दो बार में, दो दो बार यू। टेक्नोलॉजी कई बार गेम कर जाती है सर हमारे कर जाती है, मतलब साथ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी तक कोई दो बार इस शो में ही नहीं आया, पहली पहले आप तो थे। तो वही ना, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। जी चलो नाउ वी मूव टू अवर फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन व्हिच नीड्स अ लॉट ऑफ डेलिकेट हैंडलिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द साइकाइट्रिस्ट। देखते हैं राइट पांचवा सवाल क्या होता है। मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, उसको बीमारी है, आपकी दवाई चल रही है डॉक्टर साहब, बट अब उसकी उम्र हो गई है, हम उसके लिए हस्बैंड या वाइफ ढूंढना चाहते हैं, वी आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, वी आर लुकिंग फॉर अ मैच। क्या हमारे को जो पॉसिबल इन लॉज हैं, पॉसिबल पार्टनर है, क्या हमें उनको बताना है, क्या उनको बताना चाहिए कि ये रोग है या ये दवाइयां चल रही हैं, आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। ये भी सवाल बिल्कुल सबसे आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा, क्या जवाब देते हैं आप? मैं सर यही सवाल का जवाब ऐसे देता हूं कि आप जानते हैं कि आपके बच्चे को ये एक एपिसोड हुआ था, हो सकता है किसी स्ट्रेसर के कारण, किसी पर्टिकुलर रीजन के कारण शुरू हो गया हो, या हो सकता है बिना किसी रीजन के ऐसे ही शुरू हो गया हो, क्योंकि ये हो सकता है साइकेट्री में बिना किसी स्ट्रेस के भी डिप्रेशन हो सकता है। तो अगर आप किसी के साथ ऐसे अपने बेटे का या बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं और उसके अंदर ऐसा कोई एक एपिसोड हुआ हो, बाकी सब कुछ आपको ठीक लग रहा हो, और आपको शादी के 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद में पता चले कि इस बच्ची की दवाई चली थी, तो वो सब तरफ से अच्छी है, आपके साथ बिहेवियर बड़ा अच्छा है, आपकी फैमिली में बड़ी अच्छी घुल मिल गई है, पर क्या आपके मन के अंदर एक ये चीज खटकती नहीं रहेगी कि हमारे साथ इन्होंने कुछ छुपा लिया, कुछ धोखा कर दिया? तो आप वही रिस्पेक्ट उनको दें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको दें। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जहां भी स्ट्रेस बढ़ता है वहां बीमारी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। एंड वी ऑल नो लाइफ इवेंट स्ट्रेस स्केल के अंदर मैरिज इज अ मेजर स्ट्रेसर, आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास कितनी बार ऐसा हुआ है कि शादी के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जो कि शादी के प्रेशर के अंदर दवाई बंद कर दी गई, छुपा दी गई, और डॉक्टर साहब के पास भी और मेरे पास भी, शादी के 3 दिन बाद वाले, शादी के 1 हफ्ते बाद वाले, कितने केसेस आए होंगे जहां पे हमसे ना सलाह ली गई, ना हमसे पूछा गया कि शादी करनी है, फैमिली ने ये डिसीजन ले लिया कि अब ठीक चल रही है या अब ठीक चल रहा है, इसकी दवा बंद करो और चुपचाप शादी कर दो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
मैं बहुत बार ये ऑफर करता हूँ जहां पे ये सवाल पूछा जाता है, बहुत बार मैं ये ऑफर करता हूँ कि आप इनलॉज की फैमिली को, अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो उसको लेके मुझसे मिलवा दीजिए, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, अपना नंबर दे दूंगा क्लिनिक का। बाय चांस, खुदा ना खास्ता, कहीं दोबारा वो एपिसोड होता है, कहीं पे भी कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो वो आपके ऊपर कोई इल्जाम ना लगाए, वो उसका सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखे, मेरे साथ बात करे, हम बीमारी का असेस करेंगे, और जैसे अभी बल्ली चंग गया आपका बच्चा है, उसी तरीके से दोबारा हो जाएगा। बिकॉज दैट इज हाउ वी हैव सीन, दिस इज द रियलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, दैट मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स कैन बी मैनेज्ड, कैन बी हैंडल्ड, प्रोवाइडेड सिर्फ एक एक कंडीशन है, आप ठीक डॉक्टर के पास उसे टाइम पर ले आए, दैट्स इट, और हम कुछ नहीं मांगते फैमिलीज से, है ना सर? बाकी आपका भाई एक्सपीरियंस तो मुझसे काफी ज्यादा है इस फील्ड में, मैं तो आपसे सुनना चाहूंगा कि आपने कैसे कैसे इसके अंदर एक्सपीरियंसेस किए हैं। वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। बट बात यह है कि जैसे जितने भी हमने आज सवाल डिस्कस किए, सबसे सोशली सेंसिटिव सवाल ये वाला है, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेलिकेट हैंडलिंग। अब मेरा मानना ये है, जो मेरे पास क्लाइंट होते हैं, उनकी फैमिलीज होती है, मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई 95% ऑफ द इलनेसेस दैट आई सी, वो उनका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट का कोर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर नॉन साइकाइट्रिक बीमारी होती, क्या आप मेरे से सवाल पूछ रहे होते? बिल्कुल। नहीं पूछ रहे होते, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मान लो आज आपके बच्चे या बच्ची को ये प्रॉब्लम है, या आपको खुद ये प्रॉब्लम है, आज नहीं होती, शादी के बाद अगर हो जाती फिर क्या होता? दूसरी बात या तीसरी बात, आपको भी नहीं है, आपके प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को भी नहीं है, उसको शादी के बाद हो जाए फिर क्या होता? सब चीजें मैं, मतलब आई एक्चुअली स्पेंड अ लॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस, एंड फाइनली जिस तरह से सत्यन बोलते हैं, मैं भी उनको बोलता हूँ कि जी आप इनलॉज को, जो लड़का या लड़की है, उनको एक बार मेरे पास ले आओ, मैं उनको बेयर फैक्ट्स बता दूंगा कि जी ये बिल्कुल प्रॉब्लम थी, ये दवाई चल रही थी, इस दवाई अगर अभी चल रही है, इसकी इतनी देर की जरूरत है, ये ध्यान रखना है। और आज के जमाने में खासकर, अब जैसे मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, हो सकता है वो लॉप साइडेड है, बट दिल्ली में आजकल शादियां हो रही है, लॉट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑलरेडी नो ईच अदर। लड़की को पता है लड़की को प्रॉब्लम है, लड़की को पता है लड़के को क्या प्रॉब्लम है, दे हैव ऑलरेडी टेकन इट इन देयर स्ट्राइड, दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट। बट मेंटली अपनी और कोई क्वेरीज हो, क्लैरिफिकेशंस हो, उनको सुलझाने के लिए मेरे पास आते हैं, या बोलते हैं अच्छा भी हम अपने माँ बाप को ला रहे हैं, अब उनको समझा दो कि ये प्रॉब्लम है, अगर कभी दोबारा होगी तो आप तो बैठे हो इसको हैंडल करने के लिए। सो आई थिंक इट हैज बिल्कुल जैसे जैसे इग्नोरेंस कम हुई है, एक्सेप्टेंस ऑफ साइकाइट्रिक इलनेसेस बड़ी है, सो अ लॉट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स दे हैव एक्चुअली बिकम मच सिंपलर टू हैंडल। और ये जो 5 सवाल सत्यन ने आज आपके साथ डिस्कस किए, दे हैव ऑल्सो बिकम लेस प्रॉब्लमैटिक दैन दे वर इन द यस इयर्स गॉन बाय। सो व्हिच इज राइट ऑब्वियसली, वो आई वुड से ग्रास रूट लेवल पे चेंज तो आ ही रहा है, एंड वन इज होपिंग डेफिनेटली क्रॉस जो है बढ़ते जाए, एंड दिस इज एन एफर्ट इन दिस डायरेक्शन। बिल्कुल सर, मुझे लग रहा है कि जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे विकास हुआ है, उससे मेंटल इलनेसेस के बारे में डिस्कशंस होने लग गई है। यू नो वी हैव बीन, आई थिंक द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट वी हैव बीन एबल टू नॉर्मलाइज द कॉन्वर्सेशन अराउंड डिप्रेशन, अराउंड एंजाइटी, अराउंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, एंड अपने आप में वही बहुत बड़ी जीत है कि एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हम एंड आई थिंक मे बी अगर आप और मैं इस प्रोग्राम पे आज से 2 साल बाद अगर फिर मिलेंगे, तो वी विल बी सेइंग कि यार 2022 में 23 अगस्त को ये हमारे एक्सपीरियंसेस थे, अब 2025 में ये एक्सपीरियंसेस हैं। एंड जी विद दैट जी सत्यन, आई थिंक वी विल नीड टू वाइंड अप टुडे। वी हैड अ ग्रेट ओके शो विद यू। देर आर अ लॉट ऑफ व्यूअर्स कॉमेंट्स एंड क्वेरीज विच अनफॉर्चुनेटली वी कैनॉट टेक अप, बट इन वन ऑफ द सेशंस वी आर थिंकिंग कि वी विल डिवोट दैट सेशन ओनली टू आंसरिंग द क्वेरीज दैट पीपल आर पुटिंग अप। सो राइट थैंक यू सर सो मच डॉक्टर सत्यन शर्मा फॉर ज्वाइनिंग अस टूडे। वी हैव अ वर्चुअल सर्टिफिकेट फॉर यू विच यू विल रिसीव नाउ, फिजिकल सर्टिफिकेट आपको भेजेंगे हम।
Thank you so much, sir. But it's been a pleasure. Oh, that's a lovely certificate. I'm very, very proud to be part of this initiative, sir. And I think it's a good use you have done of my time. My day is made, sir. Thank you so much for being here. And that will be all for today. Dr. KK's Med Talks will be back tomorrow with another edition of this show. And I will be back on Tuesday with Tuesdays with Dr. Sanjay Chuk. Namaskar. Namaskar.